वर्सेस मुंबई, यानी विराट वर्सेस रोहित शर्मा। ये इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो पॉइंट्स टेबल में सब इक्वल है। ओके एक सेकंड गाइस, कैमरा कितना चमक यार। थोड़ा सा उधर कर, कैमरा नहीं हो पा रहा। कल सही था यार, ऐसे पकड़े रहो 2 मिनट। ठीक है, पकड़ नहीं था। ठीक है, ओके। तो आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, क्योंकि केकेआर भी टॉप 4 में आने की जगह अपना ट्राई कर रही है। अब वहीं पे बात करूंगा जैसे कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। यहाँ पे मैं पॉइंट टेबल की बात करूं, पॉइंट टेबल में पहले समझ, आरसीबी 6 पे है और एमआई 8 पे है। यानी आरसीबी का नंबर जो है पॉइंट टेबल में 6 है और एमआई का 8 है। बट दोनों की मैच की बात किया जाए, दोनों ने सेम मैच खेला। ऐसा नहीं कि आरसीबी ने 10 में से 10 पॉइंट है, वहीं एमआई का भी 10 में से 10 पॉइंट है, बट दोनों का डिफरेंस माइनस का है। तो चीजें ये है दिक्कत। तो आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आज के मैच की बात किया जाए, एमआई भी चाहेगी जीतना और आरसीबी भी चाहेगी, क्योंकि भाई आपको पता है कि आरसीबी फैन बहुत ज्यादा चाहेंगे। तो बात किया जाए, देखो यार, की प्लेयर की बात किया जाए तो की प्लेयर आज के मैच में जो होगा, की प्लेयर की बात किया जाए, जो मैं बात करूं आरसीबी के जो की प्लेयर होने वाले, मुझे जो लगता है, एक तो खुद विराट होंगे, उसकी फैफ होंगे, फैफ, उसके बाद मैक्सवेल। ये तीन की प्लेयर आपके होने वाले हैं। तीन की प्लेयर मैक्सवेल और ये प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि पता है कि आपके जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, डीके भी नहीं चल रहा है, जो फ्लॉप चल रहा है, डीके के अलावा भी और भी प्लेयर है जो उतना खास नहीं कर पा रहे गाइस। तो फैफ डुप्लेसी, आपके फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली, उसके बाद आपके लोमरो ने अच्छा किया था पिछले मैच में, तो लोमरो की ये देखा जाए, ग्लेन मैक्सवेल पे निगाहें रहेंगे। बाकी मैं बात करूं यार, देखो अनुज रावत ठीक ठाक खेल रहे हैं। उसके बाद ना केदार जाधव की बात करूं, केदार जाधव नया है तो बैटिंग पे यार कुछ जज करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं तीन बैटर पे ही खासकर मैं देखना चाहूंगा, एक विराट को, एक फैफ को, एक मैक्सवेल पे। ये तीन चल गए तो मैच जीत जाएगी, अदरवाइज मैच आरसीबी नहीं जीतेगी, क्योंकि इनके पास उतनी अच्छी बैटिंग नहीं है। उसके बाद बॉलिंग में देखो, हर्षल पटेल उतना खास नहीं किए हैं, हसरंगा, वज्रुल हसरंगा, हैजलवुड और मोहम्मद सिराज, ये तीन की बॉलर है जो कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो बॉलिंग में जो डिपेंडेंट है हसरंगा पे, उसके बाद सिराज, उसके बाद जॉस हैजलवुड। तो जॉस हैजलवुड भी है और मैं भी आपके हर्षल पटेल के। मुंबई की बात किया जाए भाई, देखो मुंबई की बात किया जाए, मुंबई की एमआई की टीम की बात किया जाए, एमआई की टीम की बात किया जाए, पहला तो रोहित शर्मा फ्लॉप चल रहा है तो उनको मैं काउंट नहीं करता हूं, चलेंगे ही वो बनाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 रन, इससे ज्यादा कुछ रोहित शर्मा कर नहीं पाएंगे। उसके बाद बात करूं मैं, इंसान किशन ठीक ठाक कर रहे हैं, इंसान किशन भी ठीक ठाक है और उतना खास प्रदर्शन नहीं। देखो डरना है आरसीबी को किससे, एक तो सूर्या से, सूर कुमार यादव से, उसके बाद दूसरा जो डरना है आपको टिम डेविड से, क्योंकि टिम डेविड ने अच्छा किया है, और तिलक वर्मा से। ये जो तीन की प्लेयर है इससे आपको डरना पड़ेगा। उसके बाद जो टीम होगी, इंसान किशन होंगी, कैमरून ग्रीन, रोहित शर्मा, आपके सूर कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, निहाल वैद्रो। निहाल वैद्रो ने पिछले मैच में बहुत शानदार खेला, तो निहाल वैद्रो पे भी थोड़ा सा रहेगा। जोफ्रा आर्चर बाहर हो गया है तो कोई और प्लेयर देखेगा। उसके बाद पीयूष चावला ने अच्छी गेंदबाजी की, कुमार कार्तिक और अर्शित खान। तो मुंबई की सबसे बड़ी जो सबसे ज्यादा जो फ्लॉप रहा है बॉलिंग रही है, बैटिंग से तो उनको जिता दिए, कभी आपके टीम डेविड ने मार के जिता दिया, तिलक वर्मा ने जिता दिया है। तो ये तीन दो प्लेयर बहुत अच्छा किए हैं। अब बात किया जाए मैच की, बात किया जाए, देखो मैच में यार मैं एक चीज बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि आरसीबी जीते, बट आरसीबी जीतेगी, आरसीबी और वर्सेस एमआई में दोनों सेम लग रही है, पर बैटिंग थोड़ी सी मुझे लग रही है कि एमआई की ज्यादा बेटर है कंपेयर टू द आरसीबी। ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे प्लेयर है, जैसे सूर्या है, टिम डेविड है, तिलक वर्मा, इंसान किशन, बट आरसीबी के पास सिर्फ सिर्फ आपके विराट, फैफ, मैक्सवेल, यही तीन प्लेयर है, बाकी आपके पास प्लेयर नहीं है। ठीक है, तो मैच की बात करूं, मैच में भाई यही होगा, तो मैच में प्रिडिक्शन मेरा आरसीबी रहेगा, जीतेगा एमआई। सॉरी भैया आप नहीं जीत रहे हो, बाकी
टॉस पे भी डिपेंडेंट करेगा गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। वो कर दो, बंद कर दो। कितने लोग लाइव देख रहे थे?